हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साउंड ऑफ व्लॉगर। और आज हम आ गए हैं एक नई व्लॉग के साथ। और गाइस न्यू ईयर का वक्त है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार व्लॉग लेके आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से। और इस व्लॉग में हम करने वाले हैं ट्रैवल और वो भी आउट ऑफ दिल्ली। तो गाइस इस व्लॉग में काफी मजा आने वाला है और मैं कहां जाने वाला हूं मैं आपको जल्दी से बताता हूं। तो हम जा रहे हैं ट्रिप टू कसौल। तो हम ट्रिप कसौल जा रहे हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी 5:30 बज रहे हैं एंड मैंने बैग वैग पैक कर लिया अपना एंड मैं अभी निकल ही रहा हूँ। तो यहाँ से ही हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं एंड मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, कैसे कैसे मैं जाऊँगा, किस कैसे जाऊँगा, जो भी मेरे को खर्चा आएगा, जैसा भी रहता है मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगा। एंड आई होप इस ब्लॉग में आप सबको मज़ा आए जितना मुझे मज़ा आ रहा है, जितनी एक्साइटमेंट मुझे हो रही है। सो बिना टाइम वेस्ट करेगा इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस मैं साकेत टू विधानसभा आया जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मजनू के टीला के, और वहाँ से हमने एक ऑटो लिया है जो कि 20 रुपीज़ का है। फाइनली आ चुके हैं बस में और मैं बस में बैठ चुका हूँ। मैं काफ़ी लेट हो चुका था बस के लिए, तो मैंने जैसे आपको बताया था मैं घर से निकला था 5:30 बजे और मैं बस में बैठा 6:30 एंड 6:30 बस चल चुकी है और हम मूर्थल की तरफ जा रहे हैं अभी। और मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ बस के बारे में, मैंने बस कितने में करी, कैसे कहाँ से पिकअप हुआ, क्या क्या हुआ, सारी डिटेल दूंगा जब ये बस एक जगह पे रुकेगी नेक्स्ट स्टॉप पे। तब तक लिया आप इनसे मिलिए, ये भी हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, को पैसेंजर है हमारे ये और हमारे दो को पैसेंजर इधर भी बैठे हुए हैं। सो गाइस जैसे ही बस रुकती है किसी नेक्स्ट स्टॉप पे तो मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा बस का कि बस का क्या व्यू है एंड कितने प्राइस पे मैंने ये बुक सीट बुक करी है पर पर्सन के लिए और कैसा रूट रहता है, क्या क्या रहता है, सब कुछ सारी डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो गाइस हम अपने स्पॉट पर आ चुके हैं और जो यहाँ पर है बस थोड़ी देर के लिए रुकी है सुसु ब्रेक के लिए, तो मैं आपको फटाफट से अपनी बस दिखा देता हूँ। एंड हम अभी यहाँ पे उतरे हैं एंड हम फ्रेश व्रेश वगैरह हो चुके हैं और मैं आपको जल्दी से अपनी बस दिखा देता हूँ और एक बस का टूर देता हूँ फटाफट से। सो गाइस यही हमारी बस, मैंने इसे हॉलीडे अपील कंपनी से बुक करी थी जो कि वॉल्वो बस है, सेमी स्लीपर और काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं आपको जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सो गाइस ये हमारे ड्राइवर हैं और जहाँ तक मैंने इस बस में देखा है काफ़ी कम भीड़ है, काफ़ी कम लोग हैं और काफ़ी सही सीट है। सीट के बगल में, हर सीट के बगल में आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा और काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, काफ़ी हद तक नीचे भी जाती। तो गाइस हम आ चुके हैं और हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे रुक चुके हैं जो कि है हमारा ढाबा, और हमारे सामने आप देख सकते हैं रिमझिम ढाबा जो कि दिख नहीं रहा अच्छे से, बट मैं आपको गाइस एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप पीछे देखो, विजिबिलिटी लेवल ज़ीरो है गाइस, थोड़ी सी दूर का हमें वहाँ पे रोड है, रोड भी नहीं दिखाई दे रही है, इतना विजिबिलिटी का इशू आ रखा है यहाँ पे। और हिमांशु तू बता कैसा लग रहा है, कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि फील फ्रेशिंग है ना। यस वेरी फ्रेश, वेरी वेरी फील रिफ्रेशिंग। यस गाइस और मेरे मुंह से धुआं देखो गाइस, दिल्ली में तो ऐसा धुआं निकलता ही नहीं था, मतलब ओ भाई गाइस हमारी पीछे बस खड़ी है। तो हम जल्दी से अंदर जाते हैं, हमने अपना खाना जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, जल्दी जाते हैं और खाना खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया, लेट्स गो। हमने जो अपना रात का डिनर है वो ऑर्डर कर लिया है, देख सकते हैं आप, दाल फ्राई, यहाँ पे कढ़ाई पनीर, यहाँ पे सैलेड और ये यहाँ पे हमारे तंदूरी रोटी। तो गाइस हम बिल्कुल तैयार हैं इस पे टूट पड़ने के लिए और हमारी प्लेट आ चुकी है, तो टूटो। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और हम वापस से बस में बैठ चुके हैं और आप यकीन नहीं करोगे हमारा जो चार बंदे का बिल पड़ा है कितना पड़ा भाई, 2190 रुपए। 2090 रुपए खाने जैसा खाना नहीं था भाई। और खाने जैसा खाने था गाइस, रात हो चुकी है, यहाँ पे सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और काफी मतलब खाना तो टेस्टी था ही नहीं, प्लस इतना महंगा गाइस, अब पैक करके लाना 40 रुपए की 1 करोड़। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है एंड सब लोग तो सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम भी सोते हैं एंड मिलते हैं सुबह जब ये बस रुकेगी एंड पहुंचेगी कसौल। सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं कसौल और गाइस यहाँ का जो ठंड है वो बिल्कुल ही थका देने वाला ठंड है, और सच बता रहा हूँ मैं तो थोड़ा गर्म बनता हूँ, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी फटी पड़ी है, ये कप कप आ रहे गाइस, इनके हाथ ऐसे 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 हो रहे हैं। और यहाँ पे आके जो व्यू है गाइस, एक नंबर गाइस, एक नंबर। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, इतना बढ़िया व्यू दिखने को मिल रहा है, इतना मज़ा आया है क्या बताऊँ मैं। हमें बस ने यहीं पे उतार दिया 500 मीटर पहले ही, और आप देख सकते हो सामने का व्यू कितना ही खूबसूरत है, वहाँ पे कुछ कैंप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे मुझे गानों की भी आवाज़ आ रही है, गैस वहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही होगी। सो वहाँ पे भी कुछ कैंप्स दिख रहे हैं मुझे,
तो बहुत सारे कैंप्स भी हैं बट अभी सारे फुल हैं, और हर कैंप्स के जो प्राइस है वो कम से कम लाइक 10,000 के करीब आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस हालत बुरी हो रखी है, आप देख सकते हो मेरे मुँह से जो धुआं निकल रहा है उसी से आप अंदाज़ा लगा लो यहाँ कितनी ठंड है। हाथ एकदम जम चुके हैं, और नीचे झरना मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है ये, और अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं काफ़ी ट्रैकिंग करने के बाद, और हम अपनी मंजिल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक व्यू दिखाना चाह रहा था जो कि है वो, और नीचे नदी। इतना खूबसूरत व्यू है गाइस, यहाँ आना वर्थ इट है, लेकिन ठंड बहुत है। सो गाइस मैं आपको जो व्यू दिखाना चाहता हूँ वो है ये, मैं आपको फटाफट से एक बार रिकैप देता हूँ कि मैंने कितने रुपए की टिकट बुक करी और मैं कैसे कैसे ऑल द पैक।